तो आ जाया करते थे, अब मम्मी को लग रहा था कि अब आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, इस वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हम लोग थे कार्तिक मेला में और रात में हम लोग जो है वहाँ पर घूमने गए थे। उसके बाद जो है हम लोग रात में लौट आए थे और अभी सुबह सुबह उठे हैं, पूरा फ्रेश सब हो गए हैं और हमारा लग गया है नाश्ता। तो नाश्ते में आपको दिखाते हैं जी, बड़ा ही यूनिक नाश्ता है, बड़ा ही बेहतरीन नाश्ता है, आपको दिखाते हैं क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पर नाश्ते में जी लगा हुआ है खीर, उसके अलावा है ठेकुआ, साथ में लाए और साथ में गुलाब जामुन, इसको टिकरी भी बोल सकते हैं, टिकरी के शेप में तो बड़ा जैसा गुलाब जामुन है। बाकी जी अपना इंस्टा स्टोरी के लिए जो फोटो ले ली है यह, और बाबू जो है हमारा सोया हुआ है, तो जब तक बाबू सोया हुआ है तब तक अपना नाश्ता फिनिश कर लो जी। उसके बाद जो है गंगा नहाने भी चलना है आज, तो गंगा भी नहा लेंगे, जल भी ले लेंगे, जल भी ले लेंगे, जल खत्म हो गया, खुला ही है बर्तन डब्बा है ना। किसी को खिलौने वाला नहीं है, ये तो सब झूठ बोलता है, अपने पापी के दर्द दर्द हो गया तो हम लोग का तो नाश्ता हो गया जी, और अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं बांध की तरफ और वहाँ पर जा करके जो है थोड़ा सा घूमेंगे। और धूप भी काफी अच्छी है, मौसम जी जबरदस्त है और हल्की हल्की धूप है, तो मजा आ रहा है। नहीं घुस रहा है बोतल, घुसा दो जी, इसमें घुसा दो, घुसेगा इसमें नहीं, घुस बार है तो पहले नहीं जाएगा इसमें, बैग में रख नहीं रहा चलो चलो स्कूल चलेगा, चलो 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 चलो, ये दोनों भाई है क्या, एक रंग का सेट है दोनों। तो आ गए हैं जी इस बगीचे में और देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं गाय भैंस, सब सारे गांव वालों का है क्या, किसी एक आदमी का है, गांव वालों का। अच्छा सभी गाँव वाले का है, सभी का नहीं है, दो लोगों का नहीं, सभी का। तो वाह बढ़िया है, फिर अच्छा जगह मिल गया सबको फ्री में एक था। तो पहुंच गए जी गंगा किनारे और देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है नहा रहे हैं, और उन लोगों को नहाते हुए देख मन कर गया है कि हम लोग भी नहाए यहाँ पर। बोल ही रहे थे चलिएगा सीधा नहाने, तो नहीं चलो, हम चलो। सोच रहे थे कि सियोर नहीं है कि नहाना है कि नहीं नहाना है, लेकिन अब यहाँ करके लग रहा है नहाना चाहिए, पछताएंगे अगर यहाँ नहीं नहाएंगे ना, तब सोच रहेगा कहे नहीं नहाए। ठीक है, और पीछे देख सकते हैं मंदिर सब यहाँ बन चुका है, पहले यहाँ पर मंदिर और यहाँ सब नहीं था, और चाय का देखते हैं कि वह भी लग गया है दुकान, तो शाम के समय वह खुलता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं, तो एक बार सोच रहे फिर से घर जाए कपड़ा लेकर के आएंगे, लेकिन इस बार आएंगे तो अपनी गाड़ी से आ जाएंगे ताकि उतना नहीं चलना पड़े जितना अभी चल करके आए हुए हैं। वैसे उतना दूर नहीं, हमको लगता है 5 मिनट लगाओ घर जाने में, लेकिन आजकल हालत खराब हो जाता है। अब चलने का आदत जो है धीरे धीरे थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, जो की आदत खत्म हो गया है, हमें ध्यान है 4-5 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लिया करते थे बातों बातों में, और कुछ फर्क नहीं पड़ता था, आराम से आ जाते थे, और अब जो है बस क्या कहे, जैसे ही तकनीक आगे बढ़ा है थोड़ा सा आलसपन हम लोगों के अंदर आते गया है। कॉल आया है, ठीक है बात करो तुम, चलते हैं। 20 मिनट्स लेटर हम लोग घर आ गए जी, और यहाँ पर जो है अपना कपड़ा ले लिया है, गाड़ी यहाँ लगी हुई है, तो अब गाड़ी लेकर के चलते हैं। जिया भी साथ में चल रही है और बाबा भी साथ में चल रहे हैं, तो बाबा जो है वो हम लोगों को निगरानी में रखेंगे ताकि ज्यादा देर ना लग जाए। तो जी गाड़ी में आ गए हैं जी और सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, और अब यहाँ से सीधा चल रहे हैं गंगा नदी, चलते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, उतर चुके हैं यहाँ पे, तो घर से पीछे का नजारा देख सकते हैं कितना प्यारा है ना? तो हम लोग जो है किसी अलग जगह आ गए हैं, पहले जहाँ दिखाया था वो गंगा किनारा अलग था, हम लोग उससे थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा माहौल और अच्छा लग रहा है, एक बगल में मंदिर भी है वो आपको दिखाएंगे कुछ देर में। तो अभी यहाँ पे नहाने का बोला कि अंदर बहुत खद्दा है और कीचड़ भी है, यहाँ पर गए नहीं और कीचड़ देख करके जो है थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था कि यहाँ पर नहाए, वैसे क्योंकि यहाँ पर जो है गाय भैंस सब जो था, तो इसी वजह से जो है लगता है वहाँ का दो कीचड़ हो गया होगा अच्छा खासा। तो ये बगल में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ चलते हैं। हाँ तो हम लोग चल रहे हैं आगे, बगल में एक पुल है, तो हम लोग पहुँच गए हैं जी किसी दूसरे स्थान नहाने के लिए। यहाँ पर जो है पानी थोड़ा सा साफ सुथरा लग रहा है, और यहाँ पर जो है कोई कीचड़ और किसी तरह का गंदगी यहाँ दिख भी नहीं रहा, और बहुत लोग हैं यहाँ पर नहाने के लिए, और सेफ भी है, ठंडा है पानी, मजा आएगा चलो। तो हम लोग जी आ गए हैं यहाँ पर गंगा नदी, और यहाँ पर अपना डुबकी मार रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत मजेदार मौसम है और पानी भी हल्की हल्की ठंडी, और उसके बाद जो है धूप भी है हल्का हल्का, तो मजा आ रहा है एकदम, मन तो कर ही नहीं रहा है कि यहाँ से निकलने का, मन कर रहा है इसी में हम लोग घंटों ना आए यहाँ पर, लेकिन बाबा खड़े हैं उधर, तो कुछ ही देर में बुलावा जरूर आ जाएगा।
A few moments later. तो हम नहा के आ चुके हैं, पतिदेव उधर कपड़ा चेंज कर रहे हैं, सबको ही हम चेंज नहीं किए, बस ऐसे ही बोले हम घर जाके चेंज कर लेंगे क्योंकि बगल में ही है घर। तो फिर चलते हैं, सब आते हैं तो फिर निकलेंगे, यहाँ वेट कर रहे हैं हम सबका खड़े होके। ये हम नहीं पकड़ा पा रहे, तुम चेयर नहीं सकते, होशियार ढेर। तो हो गया जी सभी का नहाया हुआ और काफी अच्छा लगा यहाँ पर नहा करके। और अब सीधा चलते हैं यहाँ से घर, और वहाँ चल करके जो है भोजन पानी होगा। और आज जो है क्रिकेट भी है, तो बउआ तैयारी होगी ना क्रिकेट मैच का? हाँ, तो बउआ जो है तैयारी करके रखा हुआ है, तो वहाँ चल करके देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, पीछे झुंड को देख सकते हैं कितना झुंड है, सभी लोग मिलके और बउआ और सब घर में है। हम लोग जा रहे हैं रात में सबके साथ चलेंगे, धनांजलि हुआ है, मेरी फ्रेंड लोग नन्नी पा पीछे पीछे तो चलते हैं मेला दिखाएंगे आप लोगों को, अभी तो हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। A few moments later. हम लोग मेला में घुस चुके हैं और इधर है मनिहारी का कहा जाता है, कॉमेडी का सारा कुछ मिल रहा है, वो सब ले रही है। खरीदारी इस सबका कम दे सो 30% सेल ये कौन वाला 30% उठा के हां ठीक तब चूना हां किया दी मेरा कितने पैसा था। शर्म आता है फुआ जी आपको? जो इन लोग लिए कुछ नहीं रही है, खाली डिसीजन सही पकड़े हैं। पे जो है ना 30% का सी चल रहा है जितना भी इयरिंग है, लेकिन इन लोग बोलती है 20% हम दे बहुत ले तो नहीं ले। इन लोग का ये डिसीजन चल रहा है। हमारी एक और फ्रेंड आई है, थोड़ा सा पैसा खेल रहा है इन लोगों के लिए बहुत दिनों बाद, हमको लगता है 3 साल बाद ना, 3 साल बाद और 4 साल बाद ज्यादा ठीक है, खाने में ऐसा भी नहीं है कि खराब है।
A few moments later. One hour later. सबसे खराब सबके साफ रहा अंजलि बुआ को देख सकते हैं जी वहाँ पर खड़ी है वहाँ से जोर से चिल्लाई साफ 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 अंजलि बुआ ठीक खराब है साफ से नीचा अब उन्हें सुनने को दिख गया लाठियाँ टूट गया इधर से गेट लाठियाँ तो अभी हम लोग जी वहाँ से आ गए हैं और कुछ देर पहले आपने अभी देखा होगा क्या हुआ सांप का इतना बड़ा खौफ रहेगा ही हम भी वहाँ रहते तो ऐसी हालत तो ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ के कैसे चढ़ी भगवान जाने तो जिया जो है कुछ देर पहले ही मेला देखने गई थी और क्या हुआ इतना डर रही थी उससे करके झूला लेकिन फिर चली अच्छा इससे करके बोली मन घूम चुकी है तो अंजलि फुआ का झूला से भी बड़ा एडवेंचर अभी हो गया झूला क्या था एडवेंचर और फिर दोबारा एक बार तो जिया जो है अपना मेला घूम करके आ गई है जिया जो है वहाँ से क्रियांश के लिए कुछ लाई भी है वो सब खिलौना आपको दिखाते हैं हम लोग को मम्मी यह सब है खिलौना क्रियांश का वाह अभी तक गाना वही है हम लोग के टाइम में भी ऐसा ही गाना रहता छैया 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 क्या क्या है इसका चश्मा भी है पहनेगा ही चश्मा कटेगा भी जाएगा और यहाँ क्रियांश जो है एकदम चश्मा पहन चुका है इसके टोपी चश्मा टाइट 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 हेलो ओए क्रियांश कॉल करो वाह हेलो हेलो ओए होए 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 क्या बज रहा है टाइट टाइट ओए होए The next day. तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाबू यहाँ सोया हुआ है और सो गया था इस वजह से और घर से निकलते टाइम कुछ वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है तुरंत फिर एक दिन रहे हैं फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था आने में और उसके बाद उस पर कुछ वीडियो शूट करो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से हमने कुछ भी शूट नहीं किया वहाँ पे निकलने का और अब बाबू भी सोया हुआ है और अभी को लगता है 5 मिनट हुआ होगा निकले हुए तो अभी रास्ते में हम लोग और इधर पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और कुछ दिन में हम लोग बाहर भी निकल जाएंगे तो मम्मी को ये लग रहा था कि अब आएगी कि नहीं आएगी अब आएगी कि नहीं यहाँ रहती है तो 2 घंटे का रास्ता है हमारे घर से यहाँ का आ जाया करते थे बीच में कोई भी छोटा मोटा काम हो तो वैसे तो ये लेके आते नहीं है छोटा मोटा कोई काम हो या फिर यहाँ पे हमारा बगल में यही का कॉलेज है मेरा तो कॉलेज आया करते थे तो आ जाया करते थे अब मम्मी को लग रहा था कि अब आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं इस वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था निकलने में वहां से और पतिदेव बोल रहे थे जल्दी निकलो क्योंकि हमारी तो गाड़ी ये है नहीं तो जिसकी गाड़ी है उसको भी काम रहता है कुछ ना कुछ तो इस वजह से जल्दी जल्दी मॉर्निंग में निकलना पड़ा चलते हैं घर और इधर पतिदेव देखिए कितने मौज में है मौज में क्या है बस आराम से चला रहे हैं मौज में क्या दिक्कत मध्यम या क्रियांश देख सकते हैं कौवा सोया हुआ है यहाँ देख सकते हैं हमारी क्रियांश को उठ गया आराम से बैठा हुआ है अब भी उठा है हमको लगता है यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेगा घर जाने में और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मछली को जो है कटवाना है घर में किसी को काटने आता नहीं है बाबा दिए थे मछली वहाँ पे कोई काट नहीं पाया 20 मिनट्स लेटर तो फाइनली जी पहुँच गए हैं घर और क्रियांश जो है पहुँच गया अपने दादी के पास तो क्रियांश जो है भी बहुत खुश है देख रहे तो क्रियांश जो है यहाँ पर आ चुका है दादी के घर आकर के देख रहे दादी को भी देख रहा है ये और जैसे आया घर के चारों तरफ देख रहा था ये निगरानी कर रहा था क्या कुछ चेंज तो नहीं हुआ कुछ चेंज तो नहीं हुआ तो सबसे पहले ये पंखा ढूंढता है तो उसको पंखा दिखा दिया पंखा देख के एकदम खुश हो गया ठीक है दीदी तो हम चल रहे हैं गाड़ी छोड़ के आते हैं और वहाँ दोस्त सब भी रहेगा थोड़ी देर तो बैठ के आते हैं खाना बर्बाद होता है नहीं तो खाना बर्बाद नहीं होगा खाना खा लेंगे अब ठीक है